आखिरकार ये इरोटिका और पॉर्न मूवीज़ में, इरोटिका वीडियोस में और पॉर्न वीडियोस में क्या अंतर है जिसमें फंस चुका है राज कुंद्रा का पोर्नोग्राफी केस? हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जब मंगलवार को उन्हें अरेस्ट किया गया था राज कुंद्रा को, और ये कहा गया था कि वो गंदी फिल्में, क्रिएशन ऑफ पॉर्न फिल्म्स, और उन्हें पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट किया गया है जो कि इलीगल है इंडिया में। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या बड़ा डिफरेंस आता है, इरोटिका का मतलब क्या होता है, पॉर्न फिल्मों का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, और इसी के साथ राज कुंद्रा को लेकर एक बड़ी खबर ये थी कि भाई उनके जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात को रखा और उन्होंने इरोटिका और पॉर्न के बारे में सिमिलैरिटी बता दी कि भाई बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। जो कि खुद आपको बता दें कि जो एक्ट्रेस हैं गहना वशिष्ठ, जो कि ऑल्ट बालाजी की गंदी बात वेब सीरीज़ की एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, उन्हें अरेस्ट भी किया गया था अभी कुछ टाइम पहले ही, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था कि उन पर पॉर्नोग्राफी केस में उन्हें भी अरेस्ट किया गया था कि वो खुद पॉर्न मूवीज़ बनाती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिस पर गहना वशिष्ठ ने सपोर्ट किया था राज कुंद्रा का, और ये बोला था कि राज कुंद्रा जो है ना वो इरोटिका मूवी बनाते हैं ना कि पॉर्न मूवी बनाते हैं। इरोटिका मूवी जहाँ से जिसे देख कर आपकी एक्साइटमेंट बढ़े, और पॉर्न मूवी जिसमें आपको सब कुछ दिखा दिया जाए, यानी एक तरह से जैसे इंटरकोर्स होता है वो सब चीज़ें आपको उसमें क्लियरली दिखा दी जाए, और एक होता है इरोटिका जिसमें इन सब चीज़ों को छुपाया जाता है, लेकिन एक उस तरह का आर्ट क्रिएट किया जाता है। इरोटिका मतलब इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी फोटो, और या ये कोई आर्ट भी हो सकती है, कोई पेंटिंग भी हो सकती है, शॉर्ट फिल्म भी हो सकती है, जिप फाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से राज कुंद्रा का बचाव किया जा रहा था जब उन्हें अरेस्ट किया गया था, जब कोर्ट के सामने उन्हें बुलाया गया था, जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, जब उनके वकीलों ने क्या तर्क दिए थे, एक बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है। हम आपको बताते हैं, जिस पर यह बताया जा रहा था कि इरोटिका फिल्में बनाना कोई गुनाह नहीं है, जिस पर उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि राज कुंद्रा जो उनके क्लाइंट है वो इरोटिका फिल्में बनाते हैं ना कि वो पॉर्न फिल्में बनाते हैं। सो उन्होंने बताया कि इरोटिका और पॉर्न में सबसे बड़ा अंतर ये है कि इरोटिका में कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है और उसमें सब कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ को दिखाया जाता है जिससे एक्साइटमेंट बढ़ती है, वो कुछ भी हो सकती है। और वहीं पॉर्न का मतलब होता है जिसमें सब कुछ दिखा दिया जाता है, और जिसके बाद जो कि इलीगल है इंडिया में, तो वो इलीगल है। सो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का कंटेंट आजकल हम सब OTT प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, कि किस तरह से इरोटिका जैसी वीडियोस कंटेंट जो होता है, जो कि बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखने को मिलता है और कई शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि जिसमें देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ इरोटिका है, वो पॉर्न नहीं है, क्योंकि पॉर्न होता तो वो उस कंटेंट उस पर वो जाता ही नहीं प्लेटफॉर्म पर, वो सिर्फ इरोटिका कंटेंट जाता है। सो उन्होंने कहा कि हमारे जो क्लाइंट है वो इरोटिका की जो वीडियोस होती है, इरोटिका वीडियोस बनाते हैं ना कि वो पॉर्न वीडियोस बनाते हैं। सो उन्हें बचाव के पक्ष में उन्होंने ये बड़ा पक्ष रखा कि भाई पॉर्न नहीं है, ये इरोटिका है। जिस पर गहना वशिष्ठ ने भी कहा कि भाई इरोटिका मूवीज़ होती हैं, पॉर्न मूवीज़ नहीं होती। वहीं पूनम पांडे जिन्होंने भी कहा था कि यस ये सब पॉर्न मूवीज़ नहीं होती, ये सब इरोटिका मूवीज़ होती, लेकिन उसके बावजूद भी पूनम पांडे ने कुछ साल पहले उन पर आरोप लगाए थे राज कुंद्रा पर, ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिले हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती है, जिसके बाद उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए थे राज कुंद्रा पर कि उन्होंने कहा था कि अगर अब तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो तो तुम्हें ब्लैकमेल किया जाएगा। एक तरह से ये कहा था कि फ़ोन नंबर जो है उसे हॉटशॉट जो ऐप थी उस पर लीक कर दिया जाएगा, जिस पर उन्होंने पूनम पांडे ने बोला था कि भाई उनके जो नंबर को रिवील किया गया था, और रिवील और उसी के साथ नीचे नीचे मैसेज में लिखा था कि मैसेज मी आई विल स्ट्रिप फॉर यू, इस तरह की चीज़ें। सो उन्होंने कहा था कि मेरे पास हज़ारों लोगों के मेरे पास डेली मैसेजेस आते थे, मेरे पास कॉल्स आते थे, वो सब मुझे पॉर्नोग्राफिक इमेजेस को भेजते थे। सो इन सब तरह की चीज़ों में ये बातें बोली गई हैं। अब ये मतलब मेन आता है भाई इरोटिका क्या होता है, पॉर्न क्या होता है। अब इस पूरे चक्कर में जो राज कुंद्रा जिनका पॉर्नोग्राफी केस जिसमें वो फंस चुके हैं, और अब ये जो चक्कर है सब सोच रहे होंगे, सबको कन्फ्यूजन होगी कि आखिरकार किस तरह की वीडियोस, तो भाई इस तरह की वीडियोस जो कि बताई जा रही है खबर के मुताबिक कि भाई वो पॉर्न नहीं बल्कि वो इरोटिका मूवीज़ बनाते थे,
और जो अपनी हॉटशॉट ऐप्स पर जो अपलोड होती थी, जिस पर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हॉटशॉट ऐप हो गई जिसमें कई तरह की सर्विसेज होती हैं, अगर आप उसकी मेंबरशिप लेते थे, हालांकि अब तो वो ऐप नहीं है प्ले स्टोर पर, लेकिन अगर आप मेंबरशिप लेते थे उसके बाद उसमें लाइव मॉडल्स होती हैं जिससे आप बात कर सकते हैं, और जिस तरह से उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है कि आप पैसे देंगे तो वो आपके लिए स्ट्रिप करेंगी जो मॉडल्स होती हैं, और अलग तरह की सर्विसेज जिसमें शॉर्ट फिल्म्स हो गई और कई कई तरह की चीज़ें होती जिसमें हॉटेस्ट मॉडल्स की फ़ोटोज़ होगी, इन सब तरह की चीज़ों में डील होती होगी हॉटशॉट ऐप पर, जो कि अब प्ले स्टोर पर नहीं है। सो ये एक मेन जो बातें जो कि सामने आ रही हैं, आखिरकार इस चक्कर में फंसा है राज कुंद्रा का पोर्नोग्राफी केस। क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अपडेट्स के लिए।